आप देख रहे हो आपका अपना चैनल प्रभ एस एवरीथिंग। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक फोल्डर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी नाम और बिना किसी आइकन के। जैसे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, लेफ्ट साइड में कुछ आइकन्स हैं, और अगर मैं अपने माउस पॉइंटर को स्क्रीन के इस पार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ तो एक स्क्वायर बॉक्स हाईलाइट होता है। ये स्क्वायर बॉक्स मेरा एक फोल्डर है जिसका ना तो कोई आइकन है और ना ही कोई नाम है। मैं इस फोल्डर में कोई भी डाटा सेव कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ और इसे कहीं भी स्टोर कर सकता हूँ। बिना नाम और बिना आइकन के फोल्डर कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने डेस्कटॉप या अपनी किसी भी ड्राइव में आप एक फोल्डर क्रिएट करें। फोल्डर को आप किसी भी अपनी मनचाही लोकेशन के ऊपर ड्रैग करें। अब इसको रीनेम करें। रीनेम करने के लिए अपने माउस का राइट बटन प्रेस करें और रीनेम के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद अपने कीबोर्ड से अल्ट की प्रेस करें और टाइप करें 0160। एंटर बटन प्रेस कर दें। अभी आप देखेंगे कि आपने जो फोल्डर का रीनेम किया था वो बिल्कुल ब्लैंक है। हमारा ये वाला फोल्डर, इसका कोई भी नाम नहीं है। तो नेक्स्ट हम इसको आइकनलेस कैसे करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टी ओपन करें, कस्टमाइज टैब के ऊपर क्लिक करें, चेंज आइकन। चेंज आइकन में क्लिक करेंगे तो कुछ आइकन आपको दिखाई देंगे। अब आप इसको राइट को स्क्रॉल करें, यहां भी आप देखेंगे कुछ ब्लैंक आइकन। किसी भी ब्लैंक आइकन के ऊपर आप क्लिक कर दें, ओके एंड अगेन ओके। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपने फोल्डर अपने डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट किया था, अभी हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर है। जिस लोकेशन में हमने उसको रखा था, अपने माउस पॉइंटर को उस लोकेशन के ऊपर लेके जाएंगे तो वहां पे एक स्क्वेयर बॉक्स दिखाई देगा। अगर हम बॉक्स के ऊपर दो बार क्लिक करेंगे तो हमारा जो फोल्डर है ओपन हो जाएगा। इसमें आप कोई भी डाटा कॉपी कर सकते हैं और उस डाटे को आप यहां से रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी फोल्डर को बिना किसी नाम और बिना किसी आइकन के क्रिएट कर सकते हैं। ये एक सबसे आसान ट्रिक है जिससे हम किसी भी फोल्डर को बिना किसी नाम और बिना किसी आइकन के क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें।